Y yo voy a preguntar por ahí. ¿Por qué esto? शंकर भगवान की जय। पिछले साल की तरह इस साल 4 दिवसीय मेला होगा। इसमें पहले दिन 17 को मेले का उद्घाटन होगा और संस्कृत प्रोग्राम होंगे। 18 को सुबह अभिषेक होगा, गद्दी पूजन होगा, सत्संग वगैरह होगा। उसके बाद शाम को 4 बजे फिर सांस्कृतिक प्रोग्राम होंगे और 19 को विशाल भंडारा होगा और शाम को 4 बजे सांस्कृतिक प्रोग्राम होंगे और 20 को दंगल होगा, जिसमें बाहर के राज्यों के पहलवान आएंगे। और मैं जम्मू वासियों से अपील करना चाहता हूं, मेले में आएं और भर चढ़ कर हिस्सा लें। शंकर भगवान की जय। साल मेला लगता है और शिवरात्रि के उत्सव पर इस बार 17 फरवरी से लेके 20 फरवरी तक अलग अलग कार्यक्रम होंगे यहाँ पर पीरखो में भी, उसके साथ साथ शिव खोड़ी में भी जो है वो कार्यक्रम चलेंगे। और जो यहाँ पीरखो के कार्यक्रम हैं, अगर मैं उनके बारे में बताऊँ तो पीरखो में 17, 18, 19 तीनों दिन जो है वो सांस्कृतिक कार्यक्रम चलेंगे। और उसके साथ साथ टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पर स्टेज और टेंटेज ये सब प्रोवाइड किया गया है। उसके साथ साथ जितने भी हमारे शिवरात्रि के फेस्टिवल्स होने जा रहे हैं उसकी हम पब्लिसिटी भी जिंगल्स के थ्रू, जैसे न्यूज़पेपर्स के थ्रू और फ्लैक्स होर्डिंग्स के थ्रू जो है वो कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जो दंगल 20 तारीख को यहाँ पर होगा उसमें भी जो है वो सिटिंग जो है वो टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी। और अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स के स्टॉल्स लगेंगे जो कि हमारे यहाँ के कल्चर को दर्शाएंगे, हमारे यहाँ के आर्ट हैंडीक्राफ्ट को दर्शाएंगे। और जैसा आप जानते हैं, जैसे महंत जी ने भी कहा कि जो दंगल है वहाँ पर बहुत सारे अलग राज्यों से भी लोग आ रहे हैं, तो डेफिनेटली जो टूरिस्ट हमारे यहाँ पर आते हैं, जैसे कि जम्मू जो है हमारा वो मंदिरों का शहर है और हमारा यहाँ पर पिलग्रिमेज जितने सारे सर्किट्स हैं, बहुत से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। तो इस दौरान जब ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट भी यहाँ पर आकर हिस्सा लेंगे और हमारे इस खूबसूरत कल्चर को जो है वो इंजॉय करेंगे, तो ये अपने आप में ही एक बहुत खूबसूरत नज़ारा भी होगा और हमारे लोगों के लिए भी बहुत बड़े प्रोत्साहन की बात है। और इससे हमारी इकॉनमी तो बूस्ट होती होती है, प्लस हमारी जो यंगर जनरेशन है उनको भी एक मैसेज जाता है कि किस तरीके से हमें अपनी जो हिस्टोरिकल साइट्स हैं उनकी उनको भी बचाना है और उसके साथ साथ जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है यहाँ पर पूजा पाठ में भी, ताकि एक अच्छी जो जनरेशन जो है वो अच्छे से डेवलप हो सके। और जम्मू जो है उसकी जो ब्यूटी है, चाहे आप एडवेंचर पॉइंट ऑफ व्यू से कहें, पिलग्रिमेज पॉइंट ऑफ व्यू से कहें, कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से कहें, वो हम पूरे नेशनल लेवल पे दर्शा सकें और हमारा जो टूरिज्म पोटेंशियल है वो और बढ़ सके।